जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। बिहार OBC दूसरे चरण से भिड़े राजनीतिक खेल में MPSC सिंह। मतदाता में बाहरी हस्तक्षेप में 4 अफसर हुए नपे। धननगर समाज अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार OBC दूसरे चरण में बिगाड़ेंगे। पटना में लोकसभा चुनाव में पहले चरण में शुक्रवार को बिहार की 4 सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही दूसरे चरण का मैदान भी सजने लगा है। अब सभी दलों का ध्यान दूसरे चरण पर केंद्रित हो गया है। दूसरे चरण में किशनगंज, कटिहारपुर, पूरिया, बांका और भागलपुर में महामुकाबला देखने को मिलेगा। किशनगढ़ लोकसभा सीट कर पिछले चुनाव में विपक्ष को जीते का संवाद सिखाने के लिए मिला था। वही NDI और महागठबंधन के अलावा अनुसूचित OBC की पार्टी NIS IS को लेकर भी इस सीट पर होने वाला घमासान बेहद दिलचस्प होगा। माना जा रहा है कि बिहार में OBC इंडिया का खेल बिगाड़ सकता है। किशनगढ़ संसदीय सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली थी। जयादव के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। OBC की पार्टी को तीसरा स्थान मिला था। बिहार में NDI ने 40 में से 39 सीटें जिताई थी। इसमें से किशनगंज सीट भी ऐसी थी जिस पर NDI को हारने का सामना करना पड़ रहा था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मतदाता में बाहरी हस्तक्षेप के 4 अवसर हुए नपेत। कन्नूर में केरल के कन्नूर जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान 92 वर्षीय एक महिला ने घर पर मतदान प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को रोकने से अधिकार विकल्प रहे। इस मामले में विपक्ष मतदान अधिकारी, मतदान सहायक, सुषमा परिवार, विशेष पुलिस अधिकार और वीडियोग्राफर को विचलित बताया गया। घटना किलियोसिस ग्राम पंचायत में हुई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि कन्नूर के जिले अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अरुण के है। विजय ने 18 अप्रैल को 92 वर्षीय देवी के आवास पर स्थापित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोपी गणेश नामक एक व्यक्ति के खिलाफ जांच करने की साजिश रची थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि गणेश मकपा के कार्यकर्ता है, जबकि भाजपा के आरोप लगाया है कि यह चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश थी। वाक्या दल के इन दोनों पक्षों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का फैसला किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धननगर समाज अनुसूचित जाति का हिस्सा नहीं है। नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के धननगर समाज को एक अनुसूचित जाति में शामिल कर आरक्षण देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। यूको ने आज यह स्पष्ट करते हुए इस मामले में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला सही रहा। इसमें से हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने धननगर समाज के याचिकाकर्ता इब्राहिम मशाहिस को ऐसा कहने की साजिश और खारिज दोनों रंजिश की। देश के कई राज्यों में धनकर समाज को अनुसूचित जाति के रूप में आरक्षण मिला हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के धनकर की जगह धननगर दर्ज होने के कारण धननगर समाज को गुमशुदा जातियों में से शामिल कर लिया गया। इस गलती को सुधार कर धननगर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। इस पर अदालत ने कहा कि धननगर समाज अन्य राज्यों में है, लेकिन महाराष्ट्र में नई हाईकोर्ट में 16 फरवरी 2024 को खाजिया खरीज कर दी गई। इस फैसले को सुनकर वे चिंतित हो गए, जिसमें उन्होंने चुनौती और एक विशेष अनुमति याचिका पर न्यायाधीश J.K. महेश्वरी और न्यायाधीश संजय कौरला के बीच में से बंबई हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि याचिकाओं की दलीलों में कोई सच्चाई नहीं है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS News TV पर। नमस्कार।